नमस्ते, टेरेस किचन में आपका स्वागत है। आज हम पत्ता गोभी का लच्छीदार पकोड़ा बनाएंगे। यह पकोड़ा हम बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ना ही हम इसमें प्याज का यूज करेंगे और ना ही बेसन। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पत्ता गोभी, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, इसे मैंने बारीक काट लिया है। अदरक, अदरक को मैंने कद्दूकस किया है। डोसा का बैटर, नमक, रेड चिली फ्लेक्स, मंगरेला, अजवाइन और तेल लिए हैं। कटोरा में पत्ता गोभी डालेंगे। इसमें धनिया पत्ता, अदरक, हरी मिर्च, डोसा का बैटर, एक चम्मच मंगरेला, एक चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, एक चम्मच अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। मैंने इसमें प्याज और लहसुन का यूज नहीं किया है। कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे गर्म करेंगे। इसमें हम इसे डालेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे पलट देंगे। देखिए, यह सुनहरे रंग का हो गया है। इसे अब प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम बाकी के भी पकोड़े बना लेंगे। तो लीजिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए गर्मा गर्म पत्ता गोभी का लच्छेदार पकोड़ा तैयार है। धन्यवाद।